भी चाहते हैं कि सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल समाचार आज तक को। तोड़ेयाहाट के कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन गोड्डा के अपने निजी आवास पर किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में अन्य राज्यों के मुकाबले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रयास काफी सराहनीय है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष को चाहिए कि इस विपत्ति की घड़ी में भूख हड़ताल का नाटक बंद कर राज्य सरकार के साथ खड़ी हो जाए। महामारी के जंग को जीतने के लिए झारखंड सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। मुझे लगता है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। एक तो संक्रमण से बचने के उपाय और फिर संक्रमितों को बचाने के उपाय, मुझे लगता है कि दोनों उपायों में जो अग्रणी राज्य है उसमें से एक झारखंड भी है। संक्रमितों की पहचान, जांच के जो जांच में तेजी, ये तमाम काम, ये प्रयास खास करके चिकित्सकों के सहयोग से, प्रशासनिक पदाधिकारियों के सहयोग से, पुलिसकर्मी के सहयोग से जो उन्होंने किया है, मैं बधाई देता हूँ। और इन्होंने पूरे देश में उदाहरण पेश किया है इस राज्य में, और जो भारत सरकार के गाइडलाइन है उनके निर्देशों का भी 100% पालन किया गया। आपदा प्रबंधन के जो नियम है बड़ी कठोरता से इस राज्य ने पालन किया है। लेकिन इस महामारी से जो उत्पन्न समस्याएं हैं, खास करके प्रवासी मजदूरों में, कामकाजी लोगों में, किसानों में, वो भी एक बड़ी समस्या है। उसके भी कई उपाय सरकार ने ढूंढे। पहली बार इस सरकार ने बाहर फंसे हुए मजदूरों के सीधे अकाउंट में पैसा भेजने का फैसला लिया। ठीक है, थोड़ी बहुत त्रुटियां है, लेकिन 90% लोग उस योजना के तहत प्रवासी मजदूर कवर हो गए। फिर विधायकों को भी इन्होंने अधिकार दिया कि भाई विधायक भी अपने कोटे से इन पैसों की अनुशंसा कर सकते हैं, उसमें भी कुछ त्रुटियां है, उस त्रुटि के सुधार में भी सरकार लगी है। और उससे जो उत्पन्न समस्या होने वाली थी कि लोग रोजगार के बिना भुखमरी के ना शिकार हो, तो प्रत्येक पंचायतों में दो दो दीदी किचन, फिर दीदी किचन के साथ मुख्यमंत्री दाल भात योजना, अन्य सामुदायिक दाल भात योजना, और 3 महीने का अग्रिम राशन उपलब्ध कराना, और फिर ऐसे लोग जिन्हें राशन कार्ड नहीं है और असहाय है उनके लिए भी अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराना, इन तमाम योजनाओं ने एक इनके प्रयास को थोड़ा सा बेहतर बनाया है। और हम कह सकते हैं कि यह प्रयास जो हमें एक शंका था कि भाई इस लंबी अवधि के जो लॉकडाउन होगा लोग कहीं भूखमरी के आधार पर ना पहुंच जाए, उससे बचाने का प्रयास हुआ है। लेकिन बड़े सोच करके आश्चर्य लगता है कि जो राज्य का प्रतिपक्ष है, जो उसकी सकारात्मक रवैये होने चाहिए इस आपदा की घड़ी में, हमें लगता है कि उन्हें राजनीति दिखता है। एक तो पहले कोरोना जैसे महामारी को भी उन्होंने सांप्रदायिक करने का प्रयास किया, सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने का अपने वासनों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से किया। दूसरा, अगर आप गौर करें तो जो प्रवासी मजदूर बाहर आज फंसे हैं, कुछ छात्र भी बाहर फंसे हैं जैसे कोटा, अन्य राज्यों में जो पढ़ने वाले बच्चे थे, अब उसको लाने के जो प्रयास है राज्य सरकार चाहती है। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने भी कई बार, मुख्यमंत्री के सीनियर पदाधिकारियों ने कई प्रयास किए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण आज वो बच्चे, आज वो प्रवासी मजदूर घर नहीं आ पा, दोष किसी और का और दोष किसी और के सर पर मढ़ा जा रहा है। अगर यही लॉकडाउन के पहले भारत सरकार घोषणा कर देती कि भाई 4 दिनों के अंदर जिन प्रवासी मजदूरों को जो बाहर पढ़ रहे हैं छात्र, वो अपने घर वापस चले जाए, तो उस समय तो कोई इन्फेक्शन भी नहीं था सामने, इस प्रकार के संक्रमण की भी संभावनाएं नहीं थी, लोग बिना संक्रमित हुए ही घर पहुंच सकता था। लेकिन बिना तैयारी का एक तो लॉकडाउन किया, दोष उनका,
और दोष मढ़ा जा रहा है कुछ। यह लॉकडाउन पहले करता तो आज पूरा देश भी बचता, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अन्य चीजें करना था भाई, राष्ट्रपति ट्रंप को बुलाना था। तो एक तो लॉकडाउन भारत सरकार ने पीछे घोषणा की और यह उल्टे दोष राज्य सरकार पर उनके नेता दे रहे हैं। उपवास रख रहे, अगर उपवास रखना ही था तो जो भारत सरकार के भेदभावपूर्ण नीति है कि भाई दूसरे राज्य के बच्चों को लाने के लिए आप आंख मूंद रहे हैं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बच्चे आ रहे हैं, झारखंड सरकार आपसे अपील करती है तो उससे बात भी करना नहीं चाहते हैं। यह जो भेदभावपूर्ण नीति है इसके विरोध में अगर प्रतिपक्ष के लोग अनशन पर बैठते तो हम भी उनको साथ देते, लेकिन वो उन्हें केवल राजनीति सोचता है। हमें लगता है कि ऐसे समय में राजनीति से ऊपर उठ करके सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि राज्य सरकार के प्रयास तो अच्छे हैं, लेकिन इस प्रयास में और थोड़े चार चांद तब लगेगा, जबकि जैसे जो प्रवासी मजदूर हैं जिनके खाते अब उनके पास नहीं है, झारखंड का बाहर उन्होंने खाता खुलवा के रखा है, तो भाई उनके खातों में भी कैसे पैसा जाए और सच में वो झारखंडी है, तो इसके उपाय ढूंढने चाहिए राज्य सरकार। और दूसरा कि भाई जो बाहर फंसे बच्चे हैं, जो छात्र जिनके अभिभावक बार बार कभी रांची टेलीफोन पर बात करते, कभी स्थानीय विधायक पर, कभी स्थानीय नेताओं से संपर्क स्थापित करते हैं, स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से संपर्क स्थापित करते हैं, परेशान हैं, उनके लिए भारत सरकार पर दबाव राज्य सरकार को बनाना चाहिए। उन्हें अपील और विनती करना चाहिए, नहीं हो तो सरकार को कोर्ट के दरवाजे को खटखटाना चाहिए ताकि वो बच्चे यहाँ आ सके। और तीसरा कि हमने देखा है कि इस आपदा की घड़ी में बैंकों की मनमानी अब तक चल रही है। कई उदाहरण हमने सरकार के सामने रखा है कि जो ऋणी हैं और उनके पास भी कोई पैसे आ रहे हैं तो उस पर उनके खातों को होल्ड कर रखा है, जनधन के हजारों खाते गुड्डा में होल्ड कर रखा है। हमने आज यहाँ के उपायुक्त को भी लिख करके दिया कि नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया जो गोड्डा में अवस्थित है, झीलवा पंचायत के पूरे हजारों आदिवासी महिलाओं के जनधन खाते को होल्ड कर दिया है। वो महिला अपने खाते से पैसे की भी निकासी नहीं कर पा रही है। इन तमाम सुझावों के साथ कि और बेहतर होगा, और फिर से एक बार कि जो झारखंड सरकार ने प्रयास करके इस राज्य में एक उदाहरण पेश किया है, हमें लगता है कि वो काबिले तारीफ है। इस प्रयास में सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए, खास करके मैं ऐसे अवसर पर तमाम इस प्रयास में जुड़े हुए प्रशासनिक महकमे के लोग, चिकित्सा महकमे के लोग, पुलिस प्रशासन महकमे के लोग इस पूरी सरकार के कामकाज में सहयोग कर रहे हैं, और तमाम खास करके इस लॉकडाउन में फंसे हुए तमाम लोग, चाहे किसान हो, मजदूर हो, एक एक झारखंड वासियों का जिस तरह से सहयोग है, सब बधाई के पात्र।